तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में वीड कंट्रोल के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेनली क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वीड कंट्रोल, कि जो भी अनवांटेड प्लांट है, जो डिजायरेबल हमें प्लांट चाहिए उसके अलावा जितने भी अनवांटेड प्लांट है क्रॉप फील्ड में, उनको हम कैसे वहां से रिमूव कर सकते हैं, तो वीड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, कि जो इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं प्लांट में उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, और जो मेनली इंसेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे प्लांट को किस वे में इन्फेक्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सीरियस पेस्ट ऑफ प्लांट्स। ये क्या है? सीरियस पेस्ट है प्लांट्स के, मींस ये प्लांट्स को बहुत ही उसके बेनिफिशियल अगर तरीके से देखें तो उसको बहुत ही जल्दी इफेक्ट करते हैं। उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें यील्ड मिलती है प्लांट्स से, उसको क्या करते हैं? मेनली रिड्यूस कराते हैं। तो ये क्या है? सीरियस पेस्ट ऑफ प्लांट्स। दे अटैक ऑल स्टेजेस पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये मेनली सभी ऑल स्टेजेस, ऑल स्टेजेस का मतलब है कि प्लांट में जब फ्लावरिंग स्टेज चल रही होगी, जब लीफ का फॉर्मेशन होने की स्टेज चल रही होगी, या फिर उसके स्टेम के फॉर्मेशन होने की स्टेज चल रही होगी, तो सभी स्टेजेस को ये इफेक्ट करता है, अटैक करता है पार्ट्स, प्लांट के जितने भी पार्ट्स है, लीफ हुआ, उसके अलावा उसका फ्लावर हुआ, स्टेम हुआ, रूट्स हुए, उनके सभी पार्ट्स को क्या करते हैं ये मेनली इफेक्ट करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, और जो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्लांट से, उसको भी क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स अटैक द क्रॉप प्लांट्स इन द फॉलोइंग थ्री वेज। तीन ऐसे वेज हैं जिनकी मतलब जिनके द्वारा जो इंसेक्ट्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं या क्रॉप प्लांट्स को अटैक करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट मेथड की, जो सबसे पहला वे है वो कौन सा है। फर्स्ट इज चीविंग इंसेक्ट्स। क्या है? चीविंग इंसेक्ट्स। चीविंग का मीन्स आपको पता है चबाना। तो चीविंग इंसेक्ट्स क्या कौन से होते हैं और वो मेनली प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को कैसे अटैक करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दे कट रूट स्टेम एंड लीफ विद द हेल्प ऑफ देयर चीविंग माउथ पार्ट्स। ये मेनली क्या कर देते हैं? कट लगा देते हैं रूट्स में, स्टेम्स में, या फिर लीव्स में, प्लांट के इन पार्ट्स में ये क्या कर देते हैं? कट लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर चीविंग माउथ पार्ट्स। आपने देखा होगा किसी भी क्रॉप को, अगर आप देखते हो, अगर आप फील्ड में गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि काफी क्रॉप्स में क्या रहता है, उसकी रूट्स, रूट्स तो अब आपको दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। अब बात करो स्टेम की या लीव्स की, तो उसपे आपने देखा होगा कट लगा हुआ होता है, मींस वो ऐसे इंसेक्ट्स के द्वारा खाए हुए होते हैं, चीव किए हुए होते हैं। तो वो कौन करते हैं? मेनली चीविंग इंसेक्ट्स। कौन करता है? मेनली चीविंग इंसेक्ट्स। जैसे देखो, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू उसको दिखाती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जो चीविंग इंसेक्ट्स है वो कैसे एक लीफ को इन्फेक्ट कर रहे हैं। देखो ये चीविंग इंसेक्ट्स हैं, देखो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं लीफ के ऊपर। इन्होंने लीफ को क्या कर रखा है? चीव करके इन्फेक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? इन्फेक्ट कर रखा है, लीव्स के ऊपर अटैक कर रखा है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो लीफ है वो डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। ऐसे ही देखो, अगर आप एक अदर पिक्चर और देखोगे तो देखो आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा कि लीव्स के ऊपर इंसेक्ट्स ने क्या कर दिया है, उनको चीव करके, लीव के कुछ पार्ट्स को चीव करके क्या कर दिया है उन्होंने, इस पर लीव्स पर अटैक कर दिया है, इनको इन्फेक्ट कर दिया है। ओके, समझ में आ गया आपको बच्चों, पिक्चर के थ्रू मैंने बताया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो चीविंग इंसेक्ट्स हैं वो मतलब चीव करके फिर क्या करते हैं, ये जो पार्ट्स इन्होंने जो चीव किए हैं, जैसे कि रूट का, स्टेम का, लीव्स का, तो इन्होंने उसके बाद उनको क्या किया है? दे चीव एंड स्वेलो दीज पीसीज ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक है,
चीव करते हैं, चबाते हैं एंड स्वेलो, और फिर उसके बाद निगल लेते हैं दीज पीसेज ऑफ प्लांट पार्ट्स, इन पार्ट्स को। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे फर्स्ट क्या है, ग्रास ओपर, क्या है, ग्रास ओपर। सेकेंड इज द कैटरपिलर्स, सेकेंड इज द कैटरपिलर्स। ये टू क्या है, इंसेक्ट्स की कैटेगरीज है, और कौन से इंसेक्ट्स की, चीविंग इंसेक्ट्स की, जो मेनली चीव करके किसी भी प्लांट के पार्ट को, उसकी रूट को, स्टेम्स को, लीव्स को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट इज द सकिंग इंसेक्ट्स, क्या है, सकिंग इंसेक्ट्स। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो सक करे, क्या करे, सक करे, सकिंग इंसेक्ट्स। दीज इंसेक्ट्स पंक्चर दी प्लांट पार्ट्स एंड सक दी सेल सैप विद दी हेल्प ऑफ देयर नीडल लाइक होलो बीक्स। ये क्या करते हैं, सकिंग इंसेक्ट्स है ये, मेनली क्या करते हैं, पंक्चर दी प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स में पंक्चर करते हैं, मीन्स उनकी जो बीक होती है वो निडल शेप की होती है। कैसी होती है, निडल शेप की होती है, तो वो शार्प होती है। कैसी होती है, शार्प होती है, तो वो अपनी शार्प बीक से क्या करते हैं, प्लांट में पंक्चर कर देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, अपनी बीक के थ्रू उसमें पंक्चर करते हैं प्लांट पार्ट में। एंड सक दी सेल्स है, और सक कर लेते हैं किसको, सेल सैप को। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल सैप। बच्चों तो सेल सैप क्या होता है, सेल सैप एक वॉटरी फ्लूड होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट के कहां पे प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप आगे फर्दर जब प्लांट की मोर्फोलॉजी एंड उसकी एनाटोमी की बात करोगे तब आपको पता लगेगा व्हाट इज द वैक्यूल्स, ठीक है। तो प्लांट में एक पार्ट होता है दैट इज द लार्ज वैक्यूल एंड द स्मॉल वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल में मेनली एक वॉटरी फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या टर्म देते हैं, सेल सैप। क्या टर्म देते हैं, जिसको हम सेल सैप। तो सकिंग इंसेक्ट्स का क्या काम होता है, जो प्लांट पार्ट है उसमें पंक्चर करना थ्रू देयर निडल लाइक बीक्स। उनकी जो बीक्स होती है, जो निडल लाइक बीक्स होती है, मतलब न्यूकिली होती है और शार्प होती है, उनसे वो क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं प्लांट पार्ट्स में, और वहां से सेल सैप को सक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वहां से सेल सैप को सक कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, लीफ ऑफर्स एंड एफिड्स, लीफ ऑफर्स एंड एफिड्स। देखो जैसे अगर हम बात करें पिक्चर के थ्रू, तो आपको एक इंसेक्ट की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। अब इसकी जो बीक है वो कैसी है, निडल शेप्ड है। कैसी है, निडल शेप्ड है, शार्प है। तो ये नीडल शेप्ड बीक के थ्रू क्या करता है, प्लांट पार्ट में पंक्चर करता है, और उसके थ्रू जो सेल सैप है, जो वॉटरी फ्लूड प्रेजेंट है प्लांट में, उसको सक करता है। क्या करता है, उसको सक करता है। ओके, ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट पॉइंट की, इंटरनल फीडर्स। क्या है, इंटरनल फीडर्स। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इंटरनल, जो मेनली इंटरनली प्रेजेंट हो। ये मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं, लाइव इनसाइड दी प्लांट पार्ट्स। कहां पे रहते हैं, मेनली प्लांट पार्ट्स के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो प्लांट की, का स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड दी आउटर स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरनल फीडर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इंसेक्ट्स की ही एक कैटेगरी है, एक टाइप है। ओके, दे आर कॉल्ड बोरर्स। आप इनको क्या बोलोगे, बोरर्स। कब बोलोगे आप इनको बोरर्स, When they live in twigs or roots, जब ये insects, जब ये internal feeders कहाँ पे होंगे, twigs में, मतलब जो टहनियां होती है, शाखाएं होती है वहां पे, और roots, roots में जब present होंगे ये insects internal feeders, तो आप इसको क्या term दोगे, borers। क्या term दोगे, borers। और आप इनको term दोगे, they are called weevils। आप इनको क्या term दोगे, weevils। कब, When they attack the fruits and seeds। देखो अब जो इंटरनल फीडर्स है, जो इंटरनली प्रेजेंट है मेनली प्लांट पार्ट्स में, अब वो भी क्या है, अलग अलग पार्ट को इफेक्ट करते हैं, और वो अलग अलग पार्ट को इफेक्ट करते हैं उनके ही बेसिस पे उनको अलग अलग टर्म दी गई, अलग अलग नेम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो मेनली इन्होंने बताया सबसे पहले कि अगर ये इंसेक्ट्स, अगर ये इंटरनल फीडर्स अगर ट्विग्स में प्रेजेंट होंगे या फिर रूट्स में प्रेजेंट होंगे, तो हम उनको क्या टर्म देंगे, बोरर्स। क्या टर्म देंगे, बोरर्स। लेकिन अगर ये इंसेक्ट्स, ये इंटरनल फीडर्स फ्रूट्स को और सीड्स को अटैक करेंगे मान लो, तो अगर हम उनको क्या टर्म देंगे, वीविल्स।
क्या टर्म देंगे हम उनको, विवेल्स। तो ये टू टर्म्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको याद रखना, व्हाट इज बोरर्स एंड व्हाट इज विवेल्स। हम बात करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो मेनली क्रॉप प्लांट्स में होती है, मेनली जो क्रॉप को इन्फेक्ट करती है, क्रॉप को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप की डिजीज होती है जो मेनली क्रॉप प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनली प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो जिनकी वजह से आगे आने वाला अपना प्रोडक्शन या अपना यील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप की जो डिजीज है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज कोज कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स में, वो कौन कौन सी है और कौन कौन से एजेंट के थ्रू वो डिजीज स्प्रेड होती है, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका एजेंट क्या है। मतलब वो वाटर के थ्रू हो रही है, वो एयर के थ्रू हो रही है, या फिर अदर कोई एनी एजेंट है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं, सेवरल डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विच डैमेज द प्लांट्स एंड रिड्यूस द यील्ड। क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप की डिजीज है क्रॉप प्लांट्स की जो किसके द्वारा होती है, मेनली पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, या फिर जो क्रॉप प्लांट हमें चाहिए उसके लिए जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है उनके द्वारा होती है। विच डैमेज द प्लांट्स एंड रिड्यूस द यील्ड, जो मेनली डैमेज करेंगे अपने क्रॉप प्लांट को या फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे एंड रिड्यूस द यील्ड, और जिसकी वजह से जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसकी यील्ड है, जो उसका उत्पादन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पैथोजेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब हम बात करते हैं, जो आपने पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बात की है कि कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है जो मेनली क्रॉप प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, डिजीज अकर कर रहे हैं, तो वो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है या फिर वो मेनली जो पैथोजेंस है वो कौन कौन से हैं, उसमें हम किन किन को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है फंगस या फिर फंजाई। क्या है, फंगस या फिर आप फंजाई भी बोल सकते हो, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, नेमाटोड्स एटसेट्रा, ओके। तो ये कुछ पैथोजेंस के टाइप्स है जो मेनली क्रॉप प्लांट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं। दिस डिजीज कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट टू हेल्दी प्लांट्स। ये जो डिजीज है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है, ठीक है, ये डिजीज क्या है, बहुत ही इजिली ट्रांसमिट हो जाती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। अब कोई एक डिजीज्ड प्लांट है, मतलब जिसमें कोई डिजीज पहले से ही हो, और उससे किसी हेल्दी प्लांट में अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, तो वो दूसरा जो हेल्दी प्लांट है वो भी डिजीज्ड हो जाएगा। तो क्या है, ये जो डिजीज है ये बहुत ही इजीली ट्रांसमिट होती है किसी एक प्लांट से, किसी एक डिजीज्ड प्लांट से किसी एक हेल्दी प्लांट में। तो अब हमें इनको रोकना भी जरूरी है, ठीक है। और ये डिजीज कौन कौन सी है, कौन कौन से एजेंट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, अब हम उसकी भी बात करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ अकरेंस क्रॉप डिजीज आर ऑफ फॉलोइंग फोर मेन टाइप्स। उनके अकरेंस के बेसिस पे जो क्रॉप डिजीज होती है वो मेनली फोर टाइप्स की होती है, अब हम उसकी बात करते हैं बच्चों। तो हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं सीड बोन डिजीज। किसकी बात कर रहे हैं हम, सीड बोन डिजीज। देखो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, सीड बोन डिजीज, जो डिजीज मेनली सीड्स के थ्रू क्या होगी, स्प्रेड होगी, सीड्स के थ्रू स्प्रेड होगी, वो डिजीज किसके अंडर आएगी, सीड बोन डिजीज। दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू सीड्स। ये डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होती है, मेनली सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, क्या एग्जाम्पल है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, एंड सेकंड इज द रेड रोट ऑफ सुगर केन। रेड रोट ऑफ सुगर केन की पिक्चर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी है कि रेड रोट ऑफ सुगर केन में क्या होता है, जो आप गन्ने खाते हो, जो आप सुगर केन खाते हो, उस पर रेड रेड कलर के एक रेड रोट स्ट्रक्चर बन जाती है, एक रेड कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे आपने कभी गन्ने खाए होंगे तो आपको उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर दिखती होगी, जिसको आप बोल देते हो कि इसमें तो कीड़े हैं। वो कौन सी डिजीज होती है, सुगर केन की रेड रोट डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, रेड रोट डिजीज होती है। अब हम बात करते हैं लीफ स्पॉट ऑफ राइस डिजीज की। देखो
लीव स्पॉट ऑफ राइस डिजीज की ये है स्ट्रक्चर। लीव स्पॉट आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, उसके लीव्स पे क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे। किसके लीव्स पे? राइस के लीव्स पे। तो ये राइस के प्लांट की पिक्चर है, आप देखो उसके लीव्स के ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? स्पॉट्स बने हुए हैं, जो कि क्या है, एक सीड बोन डिजीज है। क्या है? सीड बोन डिजीज है। ये डिजीज मेनली कैसे स्प्रेड होती है? सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती है। किसके थ्रू स्प्रेड होती है ये डिजीज? सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती है। एंड रेड रोट सुगर केन मैंने आपको बता चुका है प्रीवियस वीडियो में बेटा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सोयल बोन डिजीज। क्या है? सोयल बोन डिजीज। जैसे आपने सीड बोन डिजीज में बताया था जो सीड्स के थ्रू स्प्रेड हो रही थी, ठीक है, ऐसे ही सोयल बोन डिजीज क्या है, जो सोयल के थ्रू स्प्रेड हो रही है। सोयल के थ्रू स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड थ्रू दी सोयल एंड मोस्टली अफेक्ट्स रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये जो डिजीज है सोयल बोन डिजीज मेनली किसके थ्रू स्प्रेड हो रही है? सोयल के थ्रू स्प्रेड हो रही है। एंड मोस्टली अफेक्ट्स, और मेनली किन प्लांट के किन पार्ट्स को मोस्टली सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है? रूट्स को एंड स्टेम्स को। किसको? रूट्स को एंड स्टेम्स को। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। क्या है? टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। एंड सेकंड इज द स्मट ऑफ बाजरा। देखो हम बात करते हैं अब दोनों डिजीज के, हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। तो देखो ये जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्राउंडनट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ग्राउंडनट के प्लांट का स्ट्रक्चर है। तो इसके लीव्स पे देखो आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कौन सी डिजीज है? टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। आपने इसको टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट क्यों टर्म दी है? बिकॉज जैसे आप तिलक लगाते हो, आप टीका लगाते हो, तो कुछ इस शेप का ही होता है, एक तिलक जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो जाता है लीव्स पे, टीके जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके लिए आपने इसको क्या टर्म दे दी? टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। क्या टर्म दे दी आपने इसको? टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्मट ऑफ बाजरा। सेकंड क्या देखते हैं हम? स्मट ऑफ बाजरा। देखो आपको डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊं तो ये नॉर्मल जो बाजरे का जो सिरा होता है उसका उसकी पिक्चर है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ बात देखो तो ये क्या है? स्मट ऑफ बाजरा। देखो ये इनफेक्ट है ना, डिजीज है एक टाइप से। तो ये कौन सी डिजीज है? स्मट ऑफ बाजरा। देखो दोनों में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा कि स्मट ऑफ बाजरा कैसा दिखाई देगा और आपको जो नॉर्मल जो सिरा है बाजरे का वो कैसा दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता लग गया ये डिजीज कौन सी है। ये भी स्मट ऑफ बाजरा की ही डिजीज जो है उसी का सिरा दे रखा है यहाँ पे बाजरे का, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो सोयल बोन डिजीज है वो किसके थ्रू स्प्रेड हो रही है? सोयल के थ्रू स्प्रेड हो रही है। और उसके अंडर हमने टू एग्जाम्पल्स देखे हैं, फर्स्ट इज द टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, सेकंड इज द स्मट ऑफ बाजरा। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड टाइप की, कि जो थर्ड टाइप की डिजीज है वो कौन सी है। तो थर्ड टाइप की जो डिजीज है वो क्या है? एयर बोन डिजीज। क्या है? एयर बोन डिजीज। अब देखो एयर बोन डिजीज है तो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा जो डिजीज मेनली किसके थ्रू ट्रांसमिट होगी, किसके थ्रू ट्रांसमिट होगी? एयर के थ्रू। वो किसके अंडर आएंगी? एयर बोन डिजीज। दीज डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द एयर। किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है? एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट इज द रस्ट ऑफ व्हीट। क्या है? रस्ट ऑफ व्हीट। सेकंड इज द ब्लास्ट ऑफ राइस। ब्लास्ट ऑफ राइस। देखो अब हम इनकी अगर बात करें, रस्ट ऑफ व्हीट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस, तो इसमें इसकी पिक्चर्स कैसी है, ये डिजीज किस टाइप की होती है, हम उनकी बात करते हैं। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं सबसे पहले रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में, तो देखो ये क्या है, व्हीट का लीफ है, और व्हीट के लीफ के ऊपर आपको देखो ये डिजीज दिखाई दे रही होगी। ये जो स्पॉट्स है ये किसके थ्रू हुए हैं? एयर बोन डिजीज है ये। क्या है? एयर बोन डिजीज है, जो इंसेक्ट्स के थ्रू क्या हुई है, अकर हुई है लीव्स के ऊपर। किसके ऊपर? लीव्स के ऊपर। व्हीट के लीव्स के ऊपर ये अराइज हुई है ये डिजीज थ्रू द इंसेक्ट्स के थ्रू। किसके थ्रू हुई है? इंसेक्ट्स के थ्रू। और ये मेनली कौन सी डिजीज है? एयर बोन डिजीज है, जो ट्रांसमिट होती है एयर के थ्रू भी। अब बच्चों हम बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट की, सेकंड इज द ब्लास्ट ऑफ राइस। क्या है? ब्लास्ट ऑफ राइस। अगर आप बात करो ब्लास्ट ऑफ राइस को, तो ब्लास्ट ऑफ राइस की पिक्चर आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। देखो
अगर आप बात करो ब्लास्ट ऑफ राइस के बारे में, तो आपको ब्लास्ट ऑफ राइस की पिक्चर कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। दिखाई दे रहा है? देखो, जो राइस की लीव्स है उसके ऊपर एक स्पोर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? स्ट्रोप स्ट्रक्चर फॉर्म है, स्पोर्ट जैसी। और देखो, जहां पे स्पोर्ट्स बने हुए हैं वहां से वो क्या है, एकदम ऐसा एक झल्ली टाइप सी, एक छल्ली टाइप सी वहां से बन जाती है। मतलब ऐसा पूरा लीफ नहीं रहता वहां पे, ऐसा आप देखोगे ना उसको तो ऐसा छल्ली टाइप सी, उसमें छेद छेद से ऐसे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। कभी आप नोट करना, जब आप कभी भी फील्ड वगैरह में जाओ तो ऐसे जो लीव्स मिलते हैं उसमें अगर ऐसी जो ब्लास्ट अगर डिजीज है राइस में, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एयरबोर्न डिजीज अटैक ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चों? एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो मेनली अबाव होते हैं, ग्राउंड के अबाव होते हैं, जो मेनली एयर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं एरियल पार्ट्स। एग्जाम्पल, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स क्या होते हैं? मेनली एरियल पार्ट्स होते हैं। और जो एयरबोर्न डिजीज है वो मेनली एरियल पार्ट्स को ही क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, अटैक करती है इनपे सबसे जल्दी। फोर्थ इज द वाटर बोर्न डिजीज। फोर्थ इज द वाटर बोर्न डिजीज। हम बात करें वाटर बोर्न डिजीज की, तो पैथोजेंस ऑफ दिस क्रॉप डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द वाटर। इसमें जो एजेंट है जिसके थ्रू वो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है वो क्या है एजेंट? वाटर। वो एजेंट क्या है? वाटर है। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। क्या है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। देखो, अगर हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये राइस के प्लांट्स है। अगर आप बात करोगे तो देखो, इसके लीव्स पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, ये कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। देखो, आपने अब तक जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं, जितने भी मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए हैं डिजीज के, आपको सबके लीव्स पे ही कोई स्ट्रक्चर बनाया दिखाई देगा दिया होगा, मेनली जो लीव्स को अटैक कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में वो गोल है, ठीक है, किसी में देखो अगर आप देखोगे तो एक लाइन की फॉर्म में है, किसी में उसका कलर व्हाइट है, किसी में उसका कलर ब्लैक है। तो ये क्या है? अलग अलग डिजीज है। ठीक है बच्चों, तो हमने बात की है अभी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की। आपने पिक्चर के थ्रू देखा कि वो डिजीज मेनली कैसी दिखाई देती है अगर वो प्लांट्स में अकर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ इज द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। फोर्थ इज द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब आप लोगों ने यहां तक क्या किया, आप लोगों ने जो भी क्रॉप्स वगैरह थी सबसे पहले उसको प्रोडक्शन किया, उसकी वैरायटीज को इम्प्रूव किया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, उसको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराई, ठीक है, इंसेक्ट से, वीड्स से। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमें अनाज मिला है, जो हमें ग्रेन मिला है, जो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिला है, अब हमें उसको स्टोर कराना भी जरूरी है। क्योंकि अब आप देखते हो, मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ईयर में मेनली टू सीजन्स होते हैं। एक सीजन में आप बाजरा बो रहे हो, एक सीजन में आप गेहूं बो रहे हो। लेकिन ऑलमोस्ट सभी के घरों में पूरे ईयर क्या खाया जाता है? गेहूं खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? मेनली गेहूं खाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों, अब हमें अगर गेहूं ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए हमें उसको स्टोर करना, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, उन ग्रेन्स को जो हमें चाहिए, जिसके हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारे लिए डिजायरेबल है। तो वीट का, जो हम गेहूं खा रहे हैं, वीट का हमें स्टोरेज करना क्या है? जरूरी है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कोई अगर हम अदर प्रोडक्ट की बात करें जो हमें पूरे थ्रू आउट द ईयर चाहिए होता है, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जो फ्रूट है या फिर हर जो प्रोडक्ट है वो एक सीजन के हिसाब से ही ग्रो करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, ऐसा नहीं कि आप उन क्रॉप्स को ऑल टाइम सीजन अगर ग्रो कराओगे तो उनका ना तो प्रोडक्ट अच्छा होगा, ना ही उसकी क्वांटिटी अच्छी होगी, ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो एक सीजन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो? क्रॉप प्लांट को उगाते हो। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको हमें क्या करना है? स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन कौन से ऐसे
फैक्टर्स है जो मेनली जो स्टोरेज किया हुआ है ग्रेन उसको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फॉरगेटिंग सीजनल फूड्स रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर दे आर स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज। ठीक है, वही बात बताई गई है कि अगर कोई फूड है वो आपको थ्रू आउट द ईयर चाहिए, मान लो जैसे वीट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको स्टोर करना क्या है, जरूरी है, उसकी सेफ स्टोरेज क्या है, जरूरी है। सबसे पहला है स्टोरेज ग्रेन लॉसेस, कि कौन कौन से ऐसे टू फैक्टर्स है जो मेनली लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग द स्टोरेज, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से स्टोरेज जब हम करेंगे ग्रेन को तो हमें लॉस हो सकता है। टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज। देखो अब टू फैक्टर्स कौन कौन से है, फर्स्ट इज द बायोटिक फैक्टर्स, सेकंड इज द एबायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट इज द बायोटिक फैक्टर्स, सेकंड इज द एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या आएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इन्फ्लुएंस द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेनली जो हमने ग्रेन को स्टोर कर रखा है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स कौन से होंगे, बायोटिक फैक्टर्स। देखो इस बात पे ध्यान देना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें मेनली इंसेक्ट्स आ जाएंगे, अदर टाइप के जो रोडेंट्स है वो आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरसेस आ जाएंगे, वो किसके अंडर आएंगे, बायोटिक फैक्टर्स के अंडर आएंगे। अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। तो बच्चों एबायोटिक फैक्टर्स में मेनली क्या आता है, नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। नॉन लिविंग आपको पता होगा, निर्जीव, ठीक है। इसमें जैसे अगर हम एग्जांपल ले, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सारे किसके अंडर आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स के अंडर आ जाएंगे। किसके अंडर आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स के अंडर आ जाएंगे, नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। देखो जैसे बायोटिक फैक्टर्स में मेनली क्या क्या इंक्लूड होगा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आप किस किस की बात करोगे, बीटल, वीविल की, रोडेंट्स। रोडेंट्स में मेनली क्या आता है, रैट, माउस, स्क्रिल, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, रोडेंट्स में। उसके बाद बर्ड्स, माइट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये किसके अंडर आए, बायोटिक फैक्टर्स के अंडर आए। और एबायोटिक फैक्टर्स के अंडर कैसे क्या आए, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। देखो बच्चों अब ये जो फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से जो हमने ग्रेन को स्टोर किया है वो कैसे इफेक्ट होता है, हम उसकी अगर बात करें तो इंसेक्ट्स, इसके बारे में हमने पहले बात कर चुकी है कि इंसेक्ट्स है वो मेनली कैसे जो ग्रेन है, जो स्टोरेज ग्रेन है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोडेंट्स, रैट, माउस, स्क्रिल, आपने देखा होगा कहीं पे अगर चूहे वगैरह उत्पन्न हो जाए घर में, अगर आपने कहीं पे अनाज रख रखा है, ठीक है, वहां पे अगर आपने कहीं पे अनाज को स्टोर कर रखा है अपने घर पे, वहां पे अगर चूहे वगैरह हो जाए तो वो मेनली उसको इफेक्ट कर देते हैं, अपने ग्रेन को उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। बर्ड्स वगैरह हो वो भी खराब कर देते हैं, माइट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, तो ये क्या कर देते हैं, जो स्टोरेज ग्रेन है उसको इफेक्ट करते हैं, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एबायोटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, जहां पे आपने ग्रेन को स्टोर कर रखा है वहां का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपने जो ग्रेन स्टोर किया है वो कैसा हो, वो अच्छे से प्रिजर्व रह सके। लेकिन अगर आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया या ज्यादा कर दिया तो उसकी वजह से जो आपका ग्रेन है, जो आपका प्रोडक्ट है वो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, जो आप आगे जाके उसको यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर की बात करो तो आप नमी मतलब वॉटर की कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट होना ग्रेन्स में, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर है अगर वो ज्यादा है तो भी अपने जो ग्रेन है, जो अपनी फसल है, अपना अनाज है, वो खराब होने का डर रहता है। अगर कम है तो भी रहता है। ह्यूमिडिटी, ऐसे ही अगर ह्यूमिडिटी है तो उसकी वजह से भी क्या होगी, जो अपने ग्रेन्स है वो इफेक्ट होते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपने क्या पढ़े, स्टोरेज ग्रेन के लॉसेस, कि आपको क्या कौन से लॉस हो सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से आपको लॉस हो सकता है ग्रेन स्टोरेज में, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स है या प्रिवेंशंस है जो हम यूज कर सकते हैं और जिसकी वजह से अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है वो अपने ग्रेन को, अपने जो हमने अनाज को जिसको हमने स्टोर करके रखा है उसको इफेक्ट ना करे, उसको खराब ना करे।
तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स विच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय यूजिंग दी फॉलोइंग मेथड्स। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जैसा कि आपने ऊपर देखा, जो मेनली क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स को मेनली खराब कर रहे हैं, अपने अनाज को खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे। कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय यूजिंग दी फॉलोइंग मेथड, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा जो लॉस हो रहा है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहला मेथड है क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, कि हम जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं, उसको पहले क्लीन कर लेना उसके स्टोरेज से पहले, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शुड बी प्रॉपरली क्लीन बिफोर देयर स्टोरेज। जो ग्रेन्स है, मतलब जो अनाज है या फिर जो प्रोडक्ट्स है, जो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स चाहिए थे क्रॉप प्लांट से, जो हमें मिल गए, सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन्ड, उनको सबसे अच्छे से धुल लेना चाहिए बिफोर देयर स्टोरेज, उनके स्टोरेज से पहले उनको अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से उसको क्लीन कर ले, ताकि आगे अगर हम उसको स्टोर करें, प्रिजर्व करें, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी इंसेक्ट हुआ या फिर कोई भी बैक्टीरिया हुआ या फिर उससे टेम्परेचर से रिलेटेड, मॉइस्चर से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड कोई भी उसको इफेक्ट ना कर सके, कोई भी फैक्टर उसको इफेक्ट ना कर सके। सेकेंड इज द ड्राइंग, अब हमें क्या करना है, उस फसल को ड्राई करना है, सुखाना है। प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ए क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है कि एक क्रॉप को प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट करना क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर टाइम पे उसको हार्वेस्ट कराएंगे, उसकी हार्वेस्टिंग कराएंगे, तो जो हमें क्रॉप है जो मिलने वाली है या फिर उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाले हैं, उसका प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी और उसकी यील्ड भी अच्छी होगी, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ए क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अ क्रॉप डिटरमाइंस द यील्ड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज द स्टोरिंग क्वालिटी ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स। वही बात बताई गई है कि जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, जो प्रॉपर टाइम है, वही डिटरमाइन करता है कि जो आपकी क्रॉप होने वाली है उसकी यील्ड कैसी होगी, उसका प्रोडक्शन कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वांटिटी कैसी होगी। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी क्रॉप प्लांट को उसके टाइम के अकॉर्डिंग हार्वेस्ट कराना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन्स वेरीज फ्रॉम 15-35%। जब आप हार्वेस्ट कराते हो किसी भी क्रॉप को, अपने डिजायरेबल क्रॉप को जब आप हार्वेस्ट कराते हो, तो उस टाइम पे जो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट रहता है वो कितना रहता है, मेनली वेरीज फ्रॉम 15-35%। लेकिन 15-35% तो बहुत ज्यादा हो गया। हमें किसी भी ग्रेन को उसकी सेफ स्टोरेज के लिए जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो मेनली कितना चाहिए होता है, लेस देन 14% चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन 15-35% तो सब ज्यादा है, तो हमें इस मॉइस्चर को कम करना पड़ेगा सेफ स्टोरेज के लिए। बट फॉर सेफ स्टोरेज दिस सीड्स एंड ग्रेन्स शुड हैव मॉइस्चर कंटेंट बिलो 14%, कितना होना चाहिए, 14%। सो दिस स्टेप ऑफ ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स इज अ वाइटल प्रिवेंटिव मेजर, इसलिए ग्रेन्स को ड्राई करना क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेजर है, इम्पोर्टेंट मेथड है किसी भी जो क्रॉप प्लांट को जिसको हम स्टोर कर रहे हैं उसके स्टोरेज के लिए जो ड्राइंग मेथड है वो क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वाइटल मेथड है। ओके, The harvested food grains, जो आपने food grains को harvest कर लिया, जिसको आप store कर रहे हो, should be dried by, अब हम उसको dried कैसे कर सकते हैं, उसको सुखा कैसे सकते हैं उन grains को, by spreading them over plastic sheets, या तो हम उसको spread कर दें, फैला दें plastic sheets के ऊपर, और on cemented floor, या फिर floor के ऊपर क्या कर दें, उसको cemented floor के ऊपर उसको
फ्लोर के ऊपर उसको क्या कर दे, स्प्रेड कर दे, जिसकी वजह से क्या होगी, जो अपनी क्रॉप है या फिर जो फूड ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, क्लीनिंग, सेकंड इज द ड्राइंग। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड इज द सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, कि हम उसको सेफली और उसका प्रॉपर स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, जो हम क्रॉप, जो क्रॉप है या फिर जो अपने फील्ड फूड ग्रेन्स है जिनको हम मेनली स्टोर करा रहे हैं, तो उनको सेफ और प्रॉपर स्टोरेज हम उनकी कैसे कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो, गो डाउन वेयर हाउसेस एंड स्टोर्स शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड, ड्राइड एंड रिपेयर्ड। जहां पे आपको अपनी अनाज को, अपने ग्रेन्स को स्टोर करना है, वो गोडाउन्स भी हो सकते हैं, वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं और कोई स्टोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे किसी भी फसल को या किसी भी अनाज को स्टोर करने से पहले प्रॉपरली क्लीन्ड, वहां उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना है, उसको सुखाना है, ड्राइड एंड रिपेयर्ड, और रिपेयर करना है अगर वहां पे कोई भी, मान लो अगर कोई भी ऐसा है जो चीज वहां पे डैमेज हो रखी है जो जरूरी है अपने स्टोरेज के लिए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर ले। फॉर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स द ग्रेन साइलोज आर यूज्ड। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब बहुत सारा अनाज, बहुत सारा ग्रेन्स, एक लार्ज स्केल के ऊपर अगर ग्रेन प्रेजेंट है, ग्रेन्स है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम मेनली किसका यूज करते हैं, ग्रेन साइलोज। किसका यूज करते हैं, ग्रेन साइलोज का यूज करते हैं। ओके, तो ये साइलोज होते क्या है, हम उसकी बात करते हैं। दी साइलोज आर बिग एंड टोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, बड़े होते हैं, टोल एंड सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। दे स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड आइटम्स एट डिफरेंट लेवल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स का मतलब है कि मान लो कोई रा फ्रूट है, कोई राइप फ्रूट है, मान लो कोई कच्चा फ्रूट है जिसको आपने स्टोर कर रखा है, कोई पका हुआ फ्रूट है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं साइलोज में, ग्रेन साइलोज में। दे हैव बिल्ट इन अरेंजमेंट फॉर एरिएशन, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, रैट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो साइलोज हमने बनाए हैं, मेनली ग्रेन साइलोज बनाए गए हैं, ये क्या चीजें ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, किस किस का अरेंजमेंट देखते हुए बनाए गए हैं, फॉर एरिएशन, कि उसमें हवा का जो पास है वो अच्छे से हो सके। टेम्परेचर कंट्रोल, जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, फिर बहुत कम टेम्परेचर हो गया। जैसे मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है तो भी वो ग्रेन्स को इफेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से, रैट से, बर्ड से एंड मैमल्स वगैरह से क्या हो सके, अपना जो ग्रेन है वो प्रोटेक्ट रह सके, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो साइलोज को मेनली ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, बनाया गया। तो बच्चों समझ में आया साइलोज क्या होता है, ग्रेन साइलोज क्या होता है। देखो अब हम एक पिक्चर के थ्रू अगर हम इसको देखें कि ग्रेन साइलोज कैसा दिखाई देता है, जैसे आपने बात की कि ग्रेन साइलोज कैसे होते हैं, बिग होते हैं, टोल होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो साइलोज है वो कैसे दिखाई देते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले साइलोज की। ठीक है, देखो बच्चों अगर आप बात करो साइलोज की, देखो तो साइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये है साइलोज का स्ट्रक्चर, देखो ये टैंक लाइक स्ट्रक्चर है, टोल है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, ये क्या है, साइलोज के स्ट्रक्चर है जिसमें आप ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हो, जिसमें आप ग्रेन्स को मेनली स्टोर करके रखते हो। तो आपको पता लग गया ग्रेन साइलोज का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा मेनली, देखो आप ये है ग्रेन साइलोज का स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हमने बात की है सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज की, कि कैसे हम अपने ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफली उनको स्टोर कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ इज द केमिकल कंट्रोल। फोर्थ क्या है, केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में हम मेनली क्या करते हैं, द पेस्टिसाइड सॉल्यूशन
इज स्प्रेड ओवर द गनी बैग्स। जिन बैग्स में, गनी बैग्स कौन से बैग्स हैं, जिन बैग्स में आपने अपने ग्रेन को स्टोर किया है, ठीक है, जिसमें आपने उनको डाला है। तो हम क्या करते हैं, द पेस्टिसाइड सॉल्यूशन, जो पेस्टिसाइड्स का सॉल्यूशन होता है, पेस्टिसाइड का मैंने आपको बताया था, वो केमिकल्स होते हैं मेनली जो पेस्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं। पेस्ट के अंडर जैसे मैंने आपको बताई थी, वीड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सारे किसके अंडर आते हैं, पेस्ट के अंडर आते हैं। तो पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन होता है जिसको आप स्प्रेड कर देते हो ओवर द गनी बैग्स, ताकि अगर वहां पे कोई पेस्ट लगा हुआ भी रह गया तो वो क्या हो सके, किल हो सके। कंटेनिंग फूड ग्रेन्स, गनी बैग्स कौन से हैं, कंटेनिंग फूड ग्रेन्स, जिनमें फूड ग्रेन्स आपने डाला है, आपने वहां पे स्टोर किया है। अब हम अगर एग्जांपल लें इन केमिकल्स का या फिर पेस्टिसाइड सॉल्यूशन का जो हम स्प्रे करते हैं मेनली गनी बैग्स पे, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है बीएचसी, बीएचसी की फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सेकेंड इज द मेलाथायोन, सेकेंड इज द मेलाथायोन, ओके, सेकेंड इज द मेलाथायोन। तो बच्चों अब हमने क्या पढ़ा, केमिकल कंट्रोल, कि हम केमिकल के थ्रू जो पेस्ट है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज द फ्यूमिगेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। फ्यूमिगेशन क्या होता है, दोज पेस्टिसाइड्स विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स आर कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स कौन से होते हैं मेनली, वो पेस्टिसाइड्स, मतलब वो केमिकल्स या फिर वो पेस्टिसाइड्स विच कैन डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स जैसे स्ट्रक्चर बना के फॉर्म करके, और क्या करते हैं इन पेस्ट, वो पेस्टिसाइड्स जो मेनली विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे, एक टॉक्सिक फ्यूम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसके द्वारा क्या हो जाते हैं, वो इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं, आर कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट्स। एंड प्रोसेस ऑफ देयर यूज इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन, और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूमिगेशन, ठीक है। जैसे हम बात करें टॉक्सिक फ्यूम्स के बारे में, देखो बच्चों फ्यूम्स क्या होते हैं, जहां पे अगर कहीं पे मान लो आग लग गई, तो वहां पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है, ऊपर की साइड फ्यूम्स फॉर्म होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं मेनली फ्यूमिगेशन में, विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, जो मेनली इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय फॉर्मिंग फ्यूम्स, बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स, ऐसे फ्यूम्स जैसे स्ट्रक्चर बना के, और वो लोग क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट्स। और ये जो प्रोसेस है फ्यूमिगेशन का, मतलब फ्यूम्स फॉर्म होने का, टॉक्सिक फ्यूम्स फॉर्म होने का, उस प्रोसेस को आपने क्या बोला, और उसके यूज को आपने क्या बोला, फ्यूमिगेशन, आपने क्या टर्म दी उसको, फ्यूमिगेशन। तो बच्चों समझ में आया, फ्यूमिगेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब जो ये फ्यूमिगेंट्स है, ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैस की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। दे रिएक्ट विद मॉइस्चर ऑफ एयर फॉर्मिंग पॉइजनस फ्यूम्स, ये रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर ऑफ एयर। अब देखो एयर में कब नमी तो जरूर प्रेजेंट होती है, हमेशा प्रेजेंट होती है मॉइस्चर, ठीक है। तो ये उस मॉइस्चर के साथ जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, फॉर्मिंग पॉइजनस फ्यूम्स, क्या बना लेंगे, पॉइजनस फ्यूम्स। देखो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, फर्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉस्फेट टैबलेट्स कॉमनली नोन एज ब्लैक पॉइजन, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट टैबलेट्स कॉमनली नोन एज ब्लैक पॉइजन, जो कि एक सॉलिड फ्यूमिगेंट का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, सॉलिड फ्यूमिगेंट का एग्जांपल है। सेकंड इज द इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईडीसीटी, ये एक लिक्विड फ्यूमिगेंट का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, लिक्विड फ्यूमिगेंट का। क्योंकि देखो मैंने बताया ना फ्यूमिगेंट तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, तो हम तीनों के अलग अलग एग्जांपल देख रहे हैं। थर्ड इज द मिथाइल ब्रोमाइड, एक क्या है, गैसियस फ्यूमिगेंट है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फ्यूमिगेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स इन स्टोर्ड फूड ग्रेन्स।
फ्यूमिगेशन क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, जो भी पेस्ट वगैरह लग जाते हैं स्टोर किए हुए फूड ग्रेन में, उसको डिस्ट्रॉय करने का क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, क्या है, फ्यूमिगेशन। तो बच्चों आपने प्रिवेंशन में आपने मेनली 5 स्टेप्स पढ़े हैं। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा, क्लीन करना, क्लीनिंग। सेकंड इज द ड्राइंग। थर्ड इज द सेफ स्टोरेज एंड प्रॉपर स्टोरेज। फोर्थ इज द केमिकल कंट्रोल एंड फिफ्थ इज द फ्यूमिगेशन। तो आपने ये 5 स्टेप्स पढ़े कि कैसे कैसे आप स्टोर किए हुए ग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हो, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करके आप उस ग्रेन को अच्छे से स्टोर कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।